अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी सभी खैरियत से होंगे। और यहाँ जी हम उठ चुके हैं और हम अपने नाश्ते की तैयारी और लंच की तैयारी करने वाले हैं। सो मेरे पास ब्रेड हैं, तो अभी मैं नाश्ते के लिए भी ब्रेड और लंच में लेके जाने के लिए भी ब्रेड बना रही हूँ, और हस्बैंड का नाश्ता बनाऊँगी, और साथ में बेटी का ऑफ है आज तो उसका नाश्ता बनाएंगे। मैंने रात में ये पतीला नहीं वॉश किया था, बहुत सारे बर्तन वगैरह वॉश हैं और मैंने बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं किया, ऐसे डिसबैलेंस वे में रख दिए थे। सो वो सब कुछ अरेंज भी करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से। सो लेट्स मेक अ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि बनाया क्या है, ठीक है जी। मोबाइल में चार्जिंग हो रही थोड़ी सी थी तो इसको चार्ज कर लेते हैं। सो नाउ वी आर बैक एट होम, ठीक है जी, और हालात कुछ आप देख रहे हैं, सूरज जो है ना वो सही से तपा हुआ है आजकल हमारे ऊपर, और वो भरपूर जो है ना गर्म हमें हवाएँ दे रहे हैं, और इतनी शिद्दत वाली गर्मी की हुई है ना कराची में तो अल्लाह ने। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि अभी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, और बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, ठीक है जी, और फिर कुछ खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वाकई में कुछ खाने को दिल नहीं चाह, तो पकाने को भी दिल नहीं कर रहा। सो बस कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत। सो जी यहाँ पर मैंने ना आलू बॉयल कर लिए थे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आलू का भरता टाइप कुछ बना लूँ, लेकिन आलू की टिक्कियाँ बनानी हैं क्योंकि सबको मैंने कहा था यही बनाऊँगी। सो आलू की टिक्कियाँ फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, पानी भी गर्म है इसलिए थ्रो करते हैं, और उसको जो है ना छील के हम लोग फिर मेक करना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में जो जो चीज़ें जाएंगी मैं सही है। तो यहाँ पर मैंने ना ये देख सकते हैं आप, इसमें सब चीज़ें ऐड कर रही हूँ, और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ना इसमें सारे स्पाइस वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्यों ठीक है। आलू बॉयल है, इसमें मैंने प्याज ऐड किया, थोड़ा सा हरा प्याज पड़ा था वो ऐड कर दिया, और अभी मैं ना सारे इसमें स्पाइस वगैरह ऐड कर रही हूँ। गर्मी के मौसम में ना फिर कुछ खाने को दिल भी नहीं चाहता, तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, ठीक है, क्रश किया हुआ के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की, वरना मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा ये क्या कर दिया, थोड़ा सा कटी हुई लाल मिर्चें, उसका एक तो टेक्सचर बड़ा प्यारा सा आता है, उसके एक मज़े की स्मेल सी डिवेलप हो जाती है आपके खाने में। और हम सॉल्ट ऐड करेंगे, अच्छा मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, हर किसी के ना बनाने का तरीका अलग होता है, तो मैं कोई डिफरेंट वे में बनाते हैं। धनिया मैंने पिसा हुआ कूटे हुआ फॉर्म वाला रखा हुआ वो मैं ऐड करती हूँ। मोस्टली खानों में मेरी ना यही दो तीन चार चीज़ें होती हैं, और उसी से बन जाता है खाना बड़े मज़े का आपका। थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे, पिंच ऑफ मैंने ऐड कर दिया, और फिर ऑब्वियसली पिसी भी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर लेंगे, बिल्कुल फीका फीका भी ना हो और बहुत तीखा तीखा भी ना हो, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और एक चीज़ जो लाजमी मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए वो है जी ये अजवाइन, ठीक है, और ये भर के नहीं डालनी आपने, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ, इससे जो है ना आलू वाली जो चीज़ें होती है ना उसमें ये लाजमी डाला करें, इससे जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा होता है, जिसको हाजमा कहते हैं शॉर्ट, मतलब नॉर्मल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो हाजमा अच्छा होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है आपका, और फिर आपने अपने हाथों का करना है यूज़, और हाथों से ही सही से ना होता है। और इस तरह से अभी आलू अभी भी गर्म नहीं है, ठीक है, तो नमक मिर्ची आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा, वरना तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने आपको क्वान्टिटी तो नहीं बताई है नमक और मिर्ची की, बाकी चीज़ों की मैंने ज़रूर बता दी कि मैं कितनी कितनी ऐड करी हूँ, और तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा ही होंगे आलू भी, आई थिंक मुझे खुद अंदाज़ा नहीं होता, मैं ना ऐसे ही बना लेती हूँ चीज़ें अपनी, ये छोटी सी तो फैमिली है हमारी। और अच्छा मैंने इतने बनाने होते हैं कि अभी हम रात में खाएंगे, नाश्ते में खाएंगे, हस्बैंड लंच में लेके जाएंगे, तो क्वांटिटी फिर मेरी उसी हिसाब से होती है कि नॉर्मल जो घरों में बनती है उतनी तो होती ही है, ठीक है। मैं पहले इसको फ्राई करके भी ऐड करती थी, लेकिन अब मैंने ना
वो सिस्टम छोड़ दिया, वो वरना वो अच्छे लगते हैं जैसे आप बनाते हैं ना समोसे वगैरह उसका। इट्स परफेक्ट। सर मुझे सॉल्ट का लग रहा है कम है, क्योंकि ये सॉल्ट जो है ना इस बार चेंज हुआ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा था। तो मैंने नमक डाल दिया और अब मैंने इसको अच्छे से इस तरह से कर लिया। और अब मैं ना अभी ही बना, क्योंकि अब टाइम इतना है नहीं, तो जो है ना हम अभी ही इसको मेक कर लेंगे लाइक, क्योंकि वी डोंट हैव अ टाइम फॉर द रेस्ट टू मच। मीडियम टू नॉर्मल साइज के मैं कबाब इस तरह से बना लूँ, क्योंकि बच्चे खुद से खाते हैं लेके, तो उसके लिए फिर आपको होता है कि आप ऐसे बनाएं कि आपके बच्चे आराम से खा लें। सो ये मैं बहुत इजी पीजी सी रेसिपी गर्मियों की, और इसके साथ अपना पुदीने की चटनी कर लें या दही ले लें, मतलब इस तरह चीज़ें आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली पीछे सब बच्चों की आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, शोर शराबा, उन्होंने बचा रखा है, गर्मियाँ हैं ऊपर से, ये देखें। तो इसमें इन चीज़ों में ना और फिर ज़्यादा गर्मी इंसान को लगती है। ये देखें मैं जल्दी जल्दी से इस तरह से मेक कर रही हूँ, और मैं अभी ही सारे फ्राई अप करके रखूँगी। इसको थोड़ा सा सेट होने दीजिएगा, वरना ये इतना फ्राई अप अभी अगर फौरन से करेंगे तो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। देखें कितने प्यारे कलर के लग रहे हैं ना। तो मैं सारे बनाती हूँ, दिखाती हूँ। साथ ये देखें मैंने रायता बना लिया, ठीक है। ब्लॉग को बस यहीं पर करते हैं, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। रोटियाँ मैंने बाहर से मंगवाई हैं, मेरा दिल नहीं चल रहा था, गर्मी लग रही थी। और अल्लाह हाफिज़।